ताली मत बजाओ, नफरत करो। सबसे पहले नफरत उन हिंदुओं से करो जो सेकुलर है, नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, बहुत बर्बाद किया हमारे देश को, बहुत हुआ है। अरे लाया और जूता मारे उन सेकुलरों को, उन कुत्तों को जिन्होंने इतनी सच्चाई छुपा के रखी है, इस देश को बर्बाद किया है। हर चीज़ मालूम है क्या? 1947 में कितने हम बर्बाद हुए आप लोगों को मालूम है? कितने हिंदुओं के पे अत्याचार हुआ क्या आप लोगों को मालूम है? किसी किताब में पढ़ाया गया कि वहाँ से औरतों को नंगा करके जब वो निकलती थी हिंदू औरतें तो उनको नंगा किया जाता था, हमारे देश की किसी किताब में पढ़ाया गया? लेकिन हिटलर ने क्या किया ये पढ़ाया गया? कौन लगता था हिटलर हमारा? ये क्या जिन्होंने इतिहास लिखा उनका बाप था? रोना क्यों नहीं आता? लोग नामर्द है इस देश के। मुझे तो अफसोस इस देश के यूथ का है। जब मैं टॉकीज में बैठा था ना तो मेरे पीछे कुछ जवान लड़के हंस रहे थे, अगर उनकी माँ बहनें वहाँ होती तो वो हंसते। इस ये पिक्चर नहीं है, ये हमारे देश की सच्चाई है। करवाइए ये, बर्बाद किया है हमारे देश को। लाया और जूता मारे उन सेकुलरों को, उन कुत्तों को जिन्होंने इतनी सच्चाई छुपा के रखी है, इस देश को बर्बाद किया है। हर चीज मालूम है क्या? 1947 में कितने हम बर्बाद हुए आप लोगों को मालूम है? कितने हिंदुओं के पे अत्याचार हुआ क्या आप लोगों को मालूम है? किसी किताब में पढ़ाया गया कि वहाँ से औरतों को नंगा करके जब वो निकलती थी हिंदू औरतें तो उनको नंगा किया जाता था, हमारे देश की किसी किताब में पढ़ाया गया? लेकिन हिटलर ने क्या किया ये पढ़ाया गया? कौन लगता था हिटलर हमारा? ये क्या जिन्होंने इतिहास लिखा उनका बाप था? रोना क्यों नहीं आता? लोग नामर्द है इस देश के। मुझे तो अफसोस इस देश के यूथ का है। जब मैं टॉकीज में बैठा था ना तो मेरे पीछे कुछ जवान लड़के हंस रहे थे, अगर उनकी माँ बहनें वहाँ होती तो वो हंसते। इस ये पिक्चर नहीं है, ये हमारे देश की सच्चाई है। करवाई